गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिंकिंग। लिंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपरलिंक और इट इज सिंपली कॉल्ड एज लिंक। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ WWW वर्ल्ड वाइड वेब एंड दिस लिंक इज वेरी प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल टू लिंक टू वेब पेजेस टूगेदर। आप सभी लोग लिंक का यूज ऑलरेडी कर चुके हैं, बट लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट इज क्रिएटेड एंड हाउ इट वर्क्स। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ लिंक, इंटरनल, लोकल एंड ग्लोबल। इंटरनल लिंक इज दैट लिंक विच पॉइंट्स ऑन द करंट पेज। मतलब अगर उसी एक ही पेज के डिफरेंट सेक्शन को अगर हम लिंक के थ्रू लिंक कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंक। जैसे किसी पेज का टॉप सेक्शन से बॉटम सेक्शन या बॉटम सेक्शन से टॉप सेक्शन को अगर हम लिंक करते हैं तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल लिंक। दूसरा हो गया लोकल लिंक। लोकल लिंक एक ही वेबसाइट के दो अलग अलग वेब पेजेस को लिंक करने के लिए हम यूज करते हैं लोकल लिंक। जैसे आप एक पेज पे किसी वेबसाइट पे देखते हैं क्लिक ऑन नेक्स्ट, तो नेक्स्ट करते ही उसी वेबसाइट का दूसरा पेज हमें ओपन हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लोकल लिंक। ग्लोबल लिंक वो होता है जो हमें एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे मूव करा देता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल लिंक। ठीक है, अ लिंक टू अ पेज ऑन अ डिफरेंट वेबसाइट। किसी भी दूसरे वेबसाइट के लिंक पेज को अगर हम लिंक करते हैं तो उसको हम बोलेंगे लोकल लिंक, सॉरी ग्लोबल लिंक। तो देखिए यहां पे दो लिंक के एग्जांपल हैं। पहला तो है लोकल लिंक और यह है ग्लोबल लिंक। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसको क्लिक करने से होता क्या है, फिर हम पढ़ेंगे इसको क्रिएट कैसे करेंगे। तो जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो एक ऑलरेडी बना हुआ पेज ओपन हो जा रहा है। तो दिस इज, इसको हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि एक ही वेबसाइट के दो वेब पेजेस हैं, तो इसको मैंने आपस में लिंक किया हुआ है। अब जैसे मैं गूगल को क्लिक करता हूं तो गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखिए गूगल ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब कि मैंने अपनी वेबसाइट को छोड़ दिया, उससे मूव करके मैं गूगल की वेबसाइट यानी कि एक्सटर्नल वेबसाइट पे मूव कर गया हूं, तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल लिंक। नाउ अब लिंक के लिए हम टैग यूज करते हैं, ए एंकर टैग। देखिए दिस इज एन एग्जांपल। दिस इज ए इज एन एंकर टैग दैट इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिंक। HREF इज एट्रीब्यूट ऑफ दिस टैग। ठीक है, एंकर टैग जो है दैट इज अ पेयर टैग और ये ओपन होगा और क्लोज भी होगा। AHREF की वैल्यू, एट्रीब्यूट HREF की वैल्यू जो होगी वो होगा पाथ ऑफ द वेब पेज, यानी कि आप जिस वेब पेज को लिंक करना चाहते हैं उसका URL जो होगा वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने नाम दिया है f-1.html, यानी कि ये हमारी वेब पेज थी जिसको मुझे यहाँ पे लिंक करना था। ठीक है, तो इसको हम यूज कैसे करेंगे हाइपरलिंक बनाने के लिए। तो HTML हेड, टाइटल, हेड क्लोज, बॉडी। आप देखिए किसी भी लिंक के चार प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला प्रॉपर्टीज जो है वो होता है लिंक, उसके बाद लिंक हो जाता है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है लिंक की विजिटेड, उसके बाद होता है एक्टिव और चौथा होता है प्रॉपर्टी होवर। अब इनमें क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। लिंक यानी कि जब भी कोई लिंक हम क्रिएट करते हैं तो वो होता है, उसको हम बोलते हैं दैट इज अ लिंक। जब हम लिंक को क्लिक कर देते हैं एक बार और उस लिंक को क्लिक करने पे दूसरा पेज ओपन हो जाता है तो वो लिंक बन जाता है विजिटेड। ठीक है, यानी कि हमने उस लिंक को विजिट कर लिया है। जब हमने उस लिंक को क्लिक किया हुआ है और वो लिंक प्रोसेस हो रहा है, जैसे मैंने माउस से क्लिक कर किया, तो जब तक दूसरा पेज ओपन नहीं हो जाता है तब तक वो लिंक होता है एक्टिव,
यानी कि वो लिंक अभी काम कर रहा है। दूसरा हो चौथा होता है प्रॉपर्टी होवर। होवर का मतलब होता है जब हम उस पे माउस मूव करेंगे उस लिंक पे, तो आपने देखा होगा कि जब मैं इस लिंक पे माउस मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे हैंड आइकन हमें दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे होवर। ठीक है, तो होवर में भी हम इसके कलर को चेंज करा सकते हैं। यानी कि अब इन चारों स्टेट में, इस हाइपरलिंक के चारों स्टेट में, लिंक, विजिटेड, एक्टिव और होवर, ये चारों स्टेट के कलर अलग अलग हम डिफाइन करते हैं ताकि हम लिंक कौन से स्टेट में है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो देखिए हम इस लिंक को बनाएंगे कैसे। ये है, ये जो मैंने HTML एग्जाम्पल लिया है ये विदाउट स्टाइल टाइप है। हम दोनों तरह से बना सकते हैं, स्टाइल टाइप के साथ भी और बिना स्टाइल टाइप के भी। तो यहाँ पे मैंने चारों स्टेट के लिए, लिंक के चारों स्टेट के लिए अलग अलग कलर डिफाइन किया है। बॉडी लिंक, यानी कि जब मैं लिंक बनाऊंगा, ठीक है, तो जब हम इस, तो चारों स्टेट के लिए मैंने यहाँ पे लिंक कलर डिफाइन किया हुआ है। लिंक जब भी, जैसे हम उसको ओपन करेंगे तो हमारा लिंक का कलर रेड होना चाहिए। एक्टिव लिंक, जब हम उसको क्लिक करेंगे तो लिंक का कलर येलो हो जाएगा। जब मैं हम उस लिंक को विजिट कर लेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, और जब हम उस पर माउस लेके जाएंगे तब उसका कलर पिंक होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद मैंने दिया है एंकर टैग ए HREF F1.HTML, जो आपकी फाइल है उसको लिंक करना चाहते हैं। उसके बाद उस स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा, क्लिक हियर टू ओपन, ठीक है, ये लिखा हुआ आएगा और इसी टेक्स्ट के साथ ये लिंक स्टेब्लिश होगा, क्रिएट होगा, और एंकर टैग को मैंने क्लोज कर दिया है। उसके बाद मैंने दिया है BR, फिर मैंने दूसरा AHREF दिया है मैंने https://www.google.com, यह है एक्सटर्नल लिंक, और इसको हम क्लिक करेंगे तो गूगल ओपन हो जाएगा। जब हम इसको ओपन करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये ऑलरेडी लिंक विजिटेड है और विजिटेड कलर मैंने दिया है ब्लू, तो यहाँ पे इसका कलर ब्लू आ रहा है। लेकिन जब आप इसको ओपन करेंगे पहली बार अपने कंप्यूटर में बना के, तो इसका कलर जो है वो आपको दिखेगा रेड। तो जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ये एक्टिव लिंक है और इसका कलर येलो हो रहा है, और जैसे मैंने इसको छोड़ दिया यानी कि ये हमारा पेज ओपन हो गया। उसी तरह से गूगल को भी जब मैं क्लिक करूँगा तो गूगल ओपन हो जा रहा है, यानी कि मेरा दोनों लिंक जो है वो काम कर रहा है। अब आइए हम देखते हैं कि हम इसी लिंक को स्टाइल टाइप से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे बनाया है, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो जब हम इस स्टाइल टाइप की हेल्प से बनाएंगे तो स्टाइल टाइप टेक्स्ट और CSS होगा, और इसको लिखने का तरीका होता है ए लिंक, यानी कि एंकर टैग का लिंक कलर होगा रेड, एंकर विजिटेड कलर ग्रीन, एंकर होवर इक्वल टू सॉरी एंकर होवर कलर ऑरेंज, एंकर एक्टिव कलर ब्लू। और होवर जो स्टेट होता है वो एक्टिव से हमेशा पहले होता है और विजिटेड के बाद होना चाहिए। इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। तो जब आप इस लिंक को भी ओपन करेंगे तो इस लिंक का कलर रेड दिखेगा, विजिटेड कलर ग्रीन दिखेगा, जब आप माउस लेके जाएंगे तो उसका कलर ऑरेंज दिखेगा, और जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू। तो ये था आपका हाइपर लिंक। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके लिए मैं फिर से बता दूं, हाइपर लिंक के लिए हम टैग यूज करेंगे एंकर टैग, और उसका एट्रीब्यूट जो होता है वो होता है HREF एट्रीब्यूट। चलिए नेक्स्ट है ऑडियो टैग, यानी कि हम ऑडियो कैसे लिंक करेंगे। तो ऑडियो के लिए हम यूज करेंगे ऑडियो टैग, और ऑडियो टैग की के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे पहला एट्रीब्यूट होता है ऑटो प्ले, कंट्रोल्स, SRC और लूप। ऑटो प्ले क्या करेगा कि जैसे ही आपका वेब पेज ओपन होगा आपका ऑडियो जो है ऑटोमेटिक प्ले होने लगेगा। कंट्रोल्स एट्रीब्यूट जो है वो हमें कंट्रोल
डिस्प्ले करेगा, जैसे प्ले और पॉज का जो आइकन होता है वो हमें दिखेगा। एसआरसी दैट स्पेसिफाइज द सोर्स ऑफ द फाइल नेम, जैसे एसआरसी के साथ मैंने लिखा है सॉन्ग डॉट एमपी3, तो ये सॉन्ग डॉट एमपी3 क्या है, फाइल का नाम है। लूप, लूप का काम होता है कि जब भी आप सॉन्ग प्ले करेंगे तो सॉन्ग एंड होने के बाद वो ऑटोमेटिक दोबारा से प्ले होगा या नहीं होगा। अगर आप लूप स्पेसिफाई करेंगे तो सॉन्ग खत्म होने के बाद दोबारा से अपने आप प्ले हो जाएगा। तो इसको हम ओपन करके देखते हैं। देखिए ये है हमारा कंट्रोल, ये कंट्रोल हमें दिख रहा है, प्ले आइकन दिख रहा है। ये किसकी वजह से दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है कंट्रोल्स की वजह से, ठीक है। कंट्रोल्स इक्वल टू कंट्रोल्स, तो ये दो मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स हैं, इसलिए मैंने इनको यूज किया है। बाकी सारे ऑप्शनल हैं, आप उसको यूज करें या नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को आपको यूज करना होगा। कंट्रोल्स इक्वल टू कंट्रोल्स, एसआरसी इक्वल टू फाइल नेम। जैसे इसको आप प्ले करेंगे तो आपका इसके बाद हम चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, वीडियो टैग। तो वीडियो टैग जो है वो यूज किया जाता है वीडियो प्ले करने के लिए, और वीडियो टैग के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। पहला एट्रीब्यूट है एसआरसी, उसके बाद हाइट विड्थ ऑटो प्ले और कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स आपको समझ में आ गया, कंट्रोल से क्या होगा, कंट्रोल्स हमें दिखेगा। और हाइट और विड्थ क्या करेगा, जो प्लेयर साइज होगा, यानी कि जिस प्लेयर के अंदर वीडियो हमारा प्ले होगा वो प्लेयर कितना बड़ा दिखेगा, उसके लिए हम यूज करेंगे हाइट और विड्थ। ऑटो प्ले समझ में आ गया होगा कि ऑटो प्ले, जैसे ही हम वीडियो को प्ले करेंगे यानी कि हमारा पेज लोड होगा तो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम यूज करेंगे वीडियो, हाइट और विड्थ यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, विड्थ इक्वल टू 320 पिक्सल एंड हाइट इक्वल टू 240 पिक्सल। कंट्रोल्स इक्वल टू कंट्रोल्स, ये हमें लिखना है कंट्रोल को डिस्प्ले कराने के लिए। और एसआरसी इक्वल टू मूवी डॉट एमपी3, यानी कि ये लाइन जो है आपको लिखनी कंपलसरी है वीडियो प्ले कराने के लिए। अगर आपका वीडियो सपोर्ट नहीं करता है आपका ब्राउजर, तो वहां पे लिखा हुआ आएगा योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग, और वीडियो टैग को क्लोज कर दिया है, ठीक। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं कि ये हमें वीडियो प्ले करके दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो इसको ओपन किया मैंने, देखिए ये वीडियो एग्जांपल ऑफ वीडियो ऑडियो और वीडियो टैग का एक अल्टरनेट ऑप्शन है इम्बेड। तो इम्बेड टैग उस जगह पे यूज किया जाता है जब जहां पे जिस कंप्यूटर में हमारा ऑडियो और वीडियो टैग सपोर्ट नहीं करता है, जो पुराने वर्जन के वेब ब्राउजर्स हैं उनके लिए यूज करते हैं हम इम्बेड। तो इम्बेड के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं एसआरसी, हाइट एंड विड्थ, ठीक है। एसआरसी, हाइट और विड्थ अब आपको समझ में आ गया होगा। एसआरसी का मतलब हो गया सोर्स, हाइट और विड्थ का मतलब हो गया कि प्लेयर की हाइट और विड्थ कितनी होगी। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है फ्रेम, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।